नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राठौर। समसामयिक चर्चा में आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो देश के तीन ज्योतिर्लिंग को एक साथ जोड़ेगी। जी हाँ, देश के तीन ज्योतिर्लिंग यानी ओंकारेश्वर जो कि इंदौर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके बाद उज्जैन जहाँ पर बाबा महाकाल विराजमान है जो इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद बाबा विश्वनाथ यानी वाराणसी में विराजमान बाबा विश्वनाथ। तो जो इंदौर से वाराणसी के लिए ट्रेन शुरू हो रही है वह तीनों ज्योतिर्लिंग को एक साथ जोड़ देगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो तीन ज्योतिर्लिंग को एक साथ जोड़ेगी। इस ट्रेन की शुरुआत रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर दी। इस ट्रेन को हम सफर क्लास की विशेष ट्रेन बताया गया है, और यात्रियों को भक्तिमय माहौल मिले इसलिए ट्रेन में भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई है। बोगी की गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी को लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इस ट्रेन में 9 एसी 3 कोच पैंट्री कार, 2 ब्रेक वैन कोच हैं। यह देश की तीसरी निजी ट्रेन है, लेकिन इसमें क्रू मेंबर लड़कियां नहीं रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन की हर बोगी में कॉफ़ी चाय की वेंडिंग मशीन होगी, और जिसके लिए पैसे नहीं चुकाना होंगे, यानी ट्रेन की तरफ से ही आपको ये सब मुफ्त में प्राप्त होगा। इसमें रेलवे ने प्रत्येक कोच में 5 सुरक्षाकर्मी रखे हैं, और यह ट्रेन वाराणसी इंदौर वाया लखनऊ चलेगी। ट्रेन के हर कोच में 5 सुरक्षाकर्मियों के साथ ही कुल 1080 सीटें रखी गई है, जिसका न्यूनतम किराया है 1629 रुपये। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन मंगलवार गुरुवार को वाराणसी से चलेगी, लखनऊ कानपुर बीना भोपाल उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचेगी। इंदौर से बुधवार तथा शुक्रवार को उज्जैन भोपाल बीना लखनऊ होकर वाराणसी जाएगी। ट्रेन 82403 प्रत्येक रविवार को वाराणसी से इलाहाबाद कानपुर बीना होते हुए इंदौर पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन नंबर 82404 प्रत्येक सोमवार इंदौर उज्जैन संत हिरदाराम नगर बीना कानपुर इलाहाबाद होकर वाराणसी पहुंचेगी। IRCTC ने इस ट्रेन की बुकिंग भी शुरू कर दी है, और इस ट्रेन को डायनामिक फेयर सिस्टम पर रखा गया है, यानी 70% सीटें पैक होने के बाद प्रति सीट का किराया 10% बढ़ता चला जाएगा। 90% से ज़्यादा सीटें पैक होने के बाद किराया 20% बढ़ेगा। प्रत्येक यात्री का 10 लाख रुपये तक का बीमा भी रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि इस ट्रेन में शाकाहारी भोजन ही दिया जाएगा, यानी किसी प्रकार का कोई मांसाहारी या अंडा वगैरह इस ट्रेन में नहीं परोसा जाएगा। तो देश की धार्मिक जनता के लिए यह ट्रेन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है कि वे इस ट्रेन के माध्यम से देश के तीन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।